देखा तो तुझे यार दिल में बजी गिटार। दोस्तों ये गाना सुनकर आपके दिल में गिटार बजी हो या ना बजी हो, लेकिन इस गाने को गाने के बाद मिक्का सिंह के करियर में गिटार जरूर बज गया था। दोस्तों इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड सिंगर मिक्का सिंह के बारे में। इस वीडियो में इनकी लाइफ स्टाइल, एज, एजुकेशन, करियर, बायोग्राफी, नेटवर्थ, कार कलेक्शन एंड फैमिली और फैक्ट के बारे में बताने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वीडियो स्टार्ट होने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मिक्का सिंह के फैन हैं तो इस वीडियो कर दे लाइक। मिक्का सिंह का असली नाम अमरीक सिंह है और प्यार से इन्हें गैनमैन बुलाते हैं। मिक्का सिंह प्रोफेशन से सिंगर, म्यूजिशियन और एक्टर हैं। मिक्का सिंह का जन्म 10 जून 1997 को दुर्गापुर, वेस्ट बंगाल, इंडिया में हुआ और 2021 के हिसाब से 44 साल के हैं। दोस्तों मिक्का म्यूजिशियन परिवार से बिलोंग करते हैं। इनके भाई दिलेर मेहंदी और पिता सिंगर हैं। मिक्का के पिता पटना के गुरुद्वारा में कीर्तन गाया करते थे। म्यूजिशियन बैकग्राउंड होने के बावजूद भी मिक्का को कई रिजेक्शन मिले थे, क्योंकि इनकी आवाज़ में वो चीज़ नहीं थी जो ऑडियंस को सुनना पसंद था। इतने रिजेक्शन मिलने के बाद इन्होंने सोचा कि ये खुद अपना सॉन्ग लॉन्च करेंगे और फिर 1998 में सॉन्ग लॉन्च किया जिसका नाम था सावन में लग गई आग, जिसे इन्होंने खुद लिखा, कंपोज किया और गाया भी। इसके बाद मिक्का ने 2000 में इश्क ब्रांडी और 2001 में गबरू और 2002 में जान कुर्बान गाया और इनके गाने लोगों को खूब पसंद आने लगे और फिर 2006 में इन्हें अपना सपना मनी मनी फिल्म के गाने दिल में बजे गिटार गाने का मौका मिला। फिर तो इन्होंने बॉलीवुड में गानों की लाइन लगा दी और लगातार कई गाने गाए, जैसे कि मौजा ही मौजा, प्यार दो प्यार लो, सुबह होने न दे, रानी तू मेरा राजा, प्यार की पुंगी। दोस्तों वहीं मैं आपको बता दूं, मिक्का ने हिंदी और पंजाबी गानों के अलावा तेलुगु, कन्नड़, बंगाली, उड़िया और उर्दू में भी गाना गाए हैं। और जैसा कि आपको पता है मिक्का सिंह एक एक्टर भी हैं, तो इन्होंने एज अ एक्टर डेब्यू किया 2010 में पंजाबी फिल्म मिट्टी से, जिसके बाद मिक्का बॉलीवुड की फिल्म लूट और बलविंदर सिंह फेमस हो गया में दिखे। और सितंबर 2007 में मिक्का ने पार्टिसिपेट लिया डांस रियलिटी शो झलक दिखला जा सीजन 2 में और 2009 में पार्टिसिपेट लिया एज अ कंटेस्टेंट इस जंगल से मुझे बचाओ में। दोस्तों जैसे कि आपको पता भी होगा, इन्होंने कई शो को जज भी किया है। इन्होंने म्यूजिक का महामुकाबला द वॉइस इंडिया सारे गामा 2016 और इंडिया के मस्त कैलेंडर को जज किया है। दोस्तों आप हमें कमेंट करके जरूर बताना मिक्का सिंह का कौन सा सॉन्ग आपका फेवरेट सॉन्ग है। चलिए मिलवाते हैं आपको मिक्का सिंह की फैमिली से। तो इनके फादर का नाम है अजमेर सिंह चंदन और ये एक किसान और म्यूजिशियन थे, लेकिन अब ये इस दुनिया में नहीं रहे। और इनकी मदर का नाम है बलबीर कौर और ये एक स्टेट लेवल की पहलवान थी। और दोस्तों मिक्का सिंह के 6 भाई हैं, जिनमें से एक फेमस है दिलेर मेहंदी और दूसरे भाई है शमशेर मेहंदी और तीसरे भाई है अमरजीत सिंह। दोस्तों मैं आपको बता दूं, शमशेर मेहंदी और अमरजीत सिंह अब इस दुनिया में नहीं रहे। बात करें इनके गर्लफ्रेंड के बारे में, तो दोस्तों इनकी गर्लफ्रेंड है चाहत खन्ना, जो कि एक मॉडल और एक्ट्रेस है। बात करें मिक्का सिंह के हाउस के बारे में, तो दोस्तों मिक्का सिंह का मुंबई महाराष्ट्र में एक अपार्टमेंट है जिसकी कीमत है लगभग 10 करोड़ रुपए और इसके अलावा इनका गुरुग्राम में एक फार्म हाउस है और इस फार्म हाउस की कीमत है लगभग 40 करोड़ रुपए। बात करें इनके कार्स कलेक्शन के बारे में, तो इनके पास ऑडी Q7 है जिसकी कीमत है 80 लाख रुपीस और इसके अलावा इनके पास रेंज रोवर वॉग है जिस कार की कीमत है 2.73 करोड़ रुपीस और इनके पास हमर S2 भी है और इस कार के प्राइस है 75 लाख रुपीस और इनके पास 82 लाख रुपीस की BMW Z4 है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, इनके पास खुद की एक वैनिटी वैन है और इस वैनिटी वैन की कीमत है 2.5 करोड़ रुपीस और मिक्का के पास सोनालिका टाइगर ट्रैक्टर भी है और इस ट्रैक्टर की कीमत है 8 लाख रुपीस। बात करें मिक्का सिंह के इनकम के बारे में, तो दोस्तों मिक्का सिंह बॉलीवुड में एक गाने गाने के लिए लेते हैं लगभग 15 लाख रुपए और वहीं मैं आपको बता दूं, लाइव परफॉर्मेंस के लिए ये चार्ज करते हैं 5 से 6 लाख रुपए। बात करें इनके नेटवर्थ के बारे में, तो इनका नेटवर्थ है 112 करोड़ रुपए। तो ये थी मिक्का सिंह की लाइफस्टाइल वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना और ये भी कमेंट करके जरूर बताना नेक्स्ट वीडियो की सेलिब्रिटी के बारे में चाहते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो कर देना लाइक। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना।